नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। कलंक के लिए 12 किलो के भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहन आलिया भट्ट ने की थी शूटिंग। गर्मी में हुआ था बुरा हाल। 1940 के बैकड्रॉप पर सजी फिल्म कलंक 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। करण जौहर के साथ दो दिग्गज फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म को बनाने के लिए हाथ मिलाया है, तो कमाल होना तो लाजमी ही है। इस फिल्म की कहानी सच्ची है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के अलावा वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर है। इस फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में होंगे और वो लाहौर के हीरा मंडी के एक लोहार की भूमिका निभाएंगे। कुछ वक्त पहले इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें सेट की भव्यता और सीन्स देखकर लग रहा है कि करण जौहर बाहुबली और पद्मावत जैसी फिल्म बना रहे हैं। फिल्म काफी प्रॉमिसिंग है। खास बात ये कि इस फिल्म के कलाकारों के कॉस्ट्यूम भी काफी रॉयल है। कलंक आलिया भट्ट की पहली कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म के लिए जितनी मेहनत वरुण धवन ने की है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत आलिया भट्ट को करनी पड़ी। रिपोर्ट की माने तो कलंक के लिए आलिया भट्ट ने 12 किलो के हेवी कॉस्ट्यूम पहनकर शूटिंग की थी। साथ ही गहनों के साथ भारी मेकअप भी होता था। शूटिंग पिछली मई और जून की गर्मी में की गई, जिसकी वजह से बुरा हाल हो जाता था। यहाँ तक कि खबरों की माने तो आलिया इस फिल्म की जब शूटिंग करती थी तो वो पसीनों से तरबदर हो जाती थी। इसके बावजूद आलिया सहित बाकी सितारों ने उन सब ने शूट को अंजाम दिया। इस दौरान आलिया गली बॉय और ब्रह्मास्त्र की शूटिंग भी कर रही थी। ऐसे में उन्हें किरदारों में कैरेक्टर जंप करना पड़ता था। कलंक की कहानी अंग्रेजों के दौर में लाहौर की हीरा मंडी के लोहारों द्वारा की गई बगावत के इर्द गिर्द बुनी गई है। हीरा मंडी में लोहार अपना काम करते थे और इसी मंडी में गीत संगीत की महफिलें सजती थी। अंग्रेज अपने दौर के लिए इस मंडी को बदलना चाहते थे। इस बात से नाराज लोहारों ने अंग्रेजों से बगावत की थी। आदित्य रॉय कपूर भी इस फिल्म में एक शिल्पकार के रोल में होंगे। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।